आज तक हम भगवान के उन अवतारों के बारे में सुनते आए हैं जो हमारे पुराणों में बताए गए हैं, पर कहते हैं कलयुग में भी एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जो भगवान का ही अंश अवतार माना जाता है। भारत की भूमि में भगवान की कई विभूतियां अवतरित हुई, उनमें से एक थे शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद के महान आचार्य और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, जिनको महाप्रभु जी भी कहा जाता है, उनका प्राकट्य भारत के धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के पास एक अत्यंत धार्मिक तेलुगु परिवार रहता था, जिसके पूर्वज यज्ञ नारायण भट्ट थे। इस परिवार को भगवान का वरदान मिला था कि 100 सोम यज्ञ पूर्ण होने पर कृष्ण उनके परिवार में अवतार लेंगे। इस वरदान के सफल होने की प्रतीक्षा में इस परिवार में 5 पीढ़ियों तक सोम यज्ञों की अखंड परंपरा चली। इस वंश की 5वीं पीढ़ी में लक्ष्मण भट्ट का जन्म हुआ, जो अपने पूर्वजों के समान विद्वान थे। उनकी पत्नी थी इल्लमा गारू। लक्ष्मण भट्ट का एक पुत्र और 2 पुत्रियां हुई। लक्ष्मण भट्ट ने 5 सोमयज्ञ पूर्ण कर इस वंश के 100 सोमयज्ञ करने का संकल्प पूरा किया और काशी चले गए। 100 सोमयज्ञ पूर्ण हो जाने पर वे भगवान की प्राकट्य का इंतजार करने लगे। सन 1479 की ये बात है, जब लक्ष्मण भट्ट की पत्नी का 7 महीने का गर्भ था और काशी पर मुस्लिम आक्रमण होने की आशंका बनी। लोग काशी छोड़कर भागने लगे। लक्ष्मण भट्ट भी अपनी पत्नी के साथ अपने मूल स्थान आंध्र की ओर चल दिए। यात्रा लंबी और कष्टदायक थी। इल्लमा गारू काफी थक गई थी, फिर भी चलती रही। संवत 1535 वैशाख कृष्ण एकादशी को ये लोग छत्तीसगढ़ में रायपुर के पास चंपारण्य नामक स्थान पर पहुंचे। तब उनकी पत्नी को अचानक ही प्रसव पीड़ा यानी लेबर पेन होने लगा। रात के समय में इल्लमा ने एक पुत्र को जन्म दिया। नवजात शिशु न तो रोया और न ही उसमें किसी प्रकार की हलचल थी। 100 सोमयज्ञ पूर्ण हो जाने पर जिस भगवान के अवतार की प्रतीक्षा थी, उसके बदले एक मृत बालक को देख लक्ष्मण और इल्लमा अत्यंत दुखी हुए। रात के अंधकार में उस मृत बालक को वस्त्र में लपेट कर लक्ष्मण भट्ट ने वृक्ष के खोखले भाग में रख दिया। दुखी मन से वे उस जंगल के आगे बढ़े और पास के गांव में जाकर आराम करने लगे। माँ का हृदय तो मानो दुख से टूट ही गया था। उनका मन स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था कि 100 सोमयज्ञों के फलस्वरूप मृत संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उनकी आंसू भरी आंखों में नींद नहीं थी, किंतु लक्ष्मण भट्ट को झपकी लग गई। तभी उन्हें सपने में भगवान ने कहा कि जिस बालक को तुम मृत जानकर छोड़ आए हो, उसके रूप में तो मैं स्वयं ही तुम्हारे घर पधारा हूँ। लक्ष्मण भट्ट चौंक कर जाग उठे। उन्होंने इल्लमा को बताया कि उनका पुत्र जीवित है और वो साक्षात भगवान ही है। दोनों तुरंत ही गए उस वृक्ष के पास जहाँ उन्होंने बालक को छोड़ा था, और उनके आश्चर्य की कोई सीमा न थी। वृक्ष के चारों ओर अग्नि का एक घेरा बना हुआ था जो बालक की रक्षा कर रही थी। माँ ने आग की परवाह न करके दौड़कर अपने लाल को सीने से लगा लिया। उसका पुत्र जीवित और सकुशल था। लक्ष्मण भट्ट और इल्लमा के नेत्रों से खुशी के आंसू बह रहे थे। इस दैविक बालक का नाम वल्लभ रखा गया और उसे अग्नि का अवतार माना गया। बचपन से ही वल्लभ को किताबें बहुत पसंद थी। जब बच्चे मिलकर राजा सिपाही आदि का खेल खेलते, तब वल्लभ गुरु बनकर सबको उपदेश देते थे। केवल 8 वर्ष की उम्र से ही वल्लभ ने साहित्य, वेद पुराणों और बड़े बड़े आचार्यों के मतों का गहन अध्ययन किया। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण भारत की यात्रा करने का निश्चय किया और 3 बार सारे भारत की यात्रा बिना पादुकाओं के की, जिसे पृथ्वी परिक्रमा कहा जाता है। ये यात्राएं उनकी ज्ञान गरिमा के प्रचार प्रसार का एक बड़ा कारण बनी। वल्लभ के प्रवास में 3 घटनाएं उल्लेखनीय हैं, जिनके कारण संपूर्ण भारत में उनकी आचार्य के रूप में कीर्ति फैल गई। एक घटना जगन्नाथपुरी की है, जहां के राज्य में एक धर्म सभा हो रही थी जो 4 प्रश्नों पर केंद्रित थी। पहला, मुख्य शास्त्र कौन सा है? दूसरा, मुख्य देव कौन है? तीसरा, मुख्य मंत्र क्या है? और चौथा, मुख्य कर्म क्या है? उपस्थित विद्वान अपने अपने मत प्रस्तुत कर रहे थे, किंतु कोई सर्वमान्य समाधान प्रस्तुत नहीं हो सक रहा था।
तभी वल्लभ ने उत्तर में कहा कि श्री कृष्ण के द्वारा गाई गई श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र शास्त्र है। कृष्ण ही एकमात्र देव है, कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्म है। लगभग सभी विद्वान इस निष्कर्ष से सहमत थे, किंतु कुछ स्वयं को महापंडित मानने वाले इस निष्कर्ष के लिए प्रमाण चाहते थे। प्रमाण प्राप्त करने के लिए कागज कलम दवा जगन्नाथ मंदिर में रख दिए और द्वार बंद कर दिए। थोड़ी देर के बाद जब पट खोले गए तो कागज पर वल्लभ के द्वारा दिए गए उत्तर एक श्लोक के रूप में लिखे हुए थे, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोप्य एकस्तस्य नामानि यानी कर्माप्य तस्य देवस्य सेवा। कागज पर लिखे गए इस श्लोक को पढ़कर सभी आश्चर्यचकित रह गए। दूसरी घटना हिंदू साम्राज्य विजयनगर की है, जब वहां महाराज कृष्णदेव राय की उपस्थिति में शास्त्रार्थ चल रहा था। श्री वल्लभ के अकाट्य तर्कों का किसी के पास कोई उत्तर नहीं था और वल्लभ को विजयी घोषित किया गया। तभी राजा कृष्णदेव राय ने वल्लभ का आचार्य के रूप में तिलक किया, तब से वे वल्लभाचार्य कहलाने लगे। वल्लभाचार्य बघेलखंड के चेदीपुर स्थान पर पहुंचे। वहां का राजा रामचंद्र एक सिद्ध किंतु महान क्रोधी यति घट सरस्वती से बहुत प्रभावित था। उस यति के संबंध में कहा जाता था कि सरस्वती उसके वश में थी, वह कोई भी रूप धारण कर सकता था और आकाश मार्ग में कहीं भी यात्रा कर सकता था। सरस्वती घट में विराज कर उसके पक्ष में ही निर्णय देती थी। वल्लभाचार्य से जब शास्त्रार्थ हुआ तब भी उसने बीच में निर्णायक के रूप में घट रख दिया था, किंतु जब घट में स्थित सरस्वती से पूछा गया तो सरस्वती ने वल्लभाचार्य के पक्ष में निर्णय दिया। क्रोधी यति ने पूछा, यह आपने क्या किया? तो घट से आवाज आई, सरस्वती के पति श्री हरि हैं, वल्लभाचार्य भगवान के मुख वैश्वानर यानी अग्नि के अवतार हैं। उनके सही पक्ष विरुद्ध तुम्हारे पक्ष में झूठा निर्णय कैसे दे सकती हूँ? यह सुनकर यति घट सरस्वती लज्जित हो गया। राजा रामचंद्र श्री वल्लभाचार्य की शरण में आया और उसने शरण मंत्र लिया। श्री वल्लभाचार्य की ख्याति सारे देश में मायावाद के निराकर्ता और वैष्णव आचार्य के रूप में फैल गई थी। उनकी यह इच्छा थी कि सामान्य लोगों के लिए सरस तथा प्रेममयी भक्ति प्रणाली निर्धारित की जाए। वे इसी विषय में रात दिन चिंतन करते रहते थे। ब्रज में प्रकट हुए देव दमन श्री गोवर्धन धर की खोज में जब गोकुल पहुंचे तब उन्होंने जीव के सभी दोषों की निवृत्ति का एकमात्र उपाय ब्रह्म संबंध को ही बताया, जिससे जीवों के उद्धार का सहज मार्ग खुल गया। ब्रह्म संबंध दैवी जीवों के लिए एक राजमार्ग था। कहते हैं जब वल्लभाचार्य अपने शिष्यों के साथ श्रीनाथ जी के प्राकट्य स्थल गिरिराज पर्वत पर पहुंचे तो श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य को देखकर संपूर्ण रूप में प्रकट हुए। वल्लभाचार्य दौड़ते हुए प्रभु की ओर बढ़े और प्रभु ने आगे बढ़कर उन्हें हृदय से लगा लिया। अब लोगों के लिए वल्लभाचार्य केवल सद्गुरु और धर्माचार्य नहीं रह गए थे, बल्कि लोग उन्हें श्रद्धा के साथ महाप्रभु जी कहने लगे थे। भक्तगण तो उन्हें साक्षात कृष्ण का रूप ही मानते थे। वल्लभाचार्य जब वृंदावन की ओर आ रहे थे तभी उन्हें एक अंधा दिखाई पड़ा जो बिलख रहा था। ये अंधा कोई और नहीं बल्कि सूरदास थे। वल्लभाचार्य ने कहा, तुम रिया क्यों रहे हो? कृष्ण लीला का गायन क्यों नहीं करते? सूरदास ने कहा, मैं अंधा क्या जानूं लीला क्या होती है? कहते हैं तब वल्लभाचार्य ने सूरदास के माथे पर हाथ रखा और 5000 वर्ष पूर्व ब्रज में चली कृष्ण की सभी लीला कथाएं सूरदास की बंद आंखों के आकाश पर तैर गई। वल्लभाचार्य सूरदास को वृंदावन ले आए और श्रीनाथ मंदिर में होने वाली आरती में हर दिन एक नया पद रचकर गाने का सुझाव दिया। सूरदास के यही हजारों पद सूर सागर में संग्रहित हैं। अपनी पत्नी महालक्ष्मी और दोनों पुत्र गोपीनाथ जी और विठलनाथ जी को अपने सबसे प्रिय शिष्य दामोदर दास को सौंपकर उन्होंने संन्यास ले लिया और कृष्ण भक्ति में ही लीन रहने लगे। वल्लभाचार्य जी ने अपनी यात्राओं में जहाँ श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया और जिन स्थानों का उन्होंने विशेष महात्म्य बताया था वहीं उनकी बैठकें बनी हुई हैं, जो महाप्रभु जी की बैठकें कहलाती हैं और ये कुल 84 हैं। वल्लभ संप्रदाय में ये बैठकें मंदिर देवालयों की तरह ही पवित्र और दर्शनीय मानी जाती हैं।
इनमें से 24 बैठकें ब्रजमंडल में हैं, जो ब्रज 84 कोस की यात्रा के विविध स्थानों में बनी हुई है। वल्लभाचार्य के अनुसार ब्रह्म माया संबंध से रहित होने के कारण शुद्ध है, इसलिए वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवादी है। शंकराचार्य के हिसाब से ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, यानी जब तक जीव को स्वरूप ज्ञान नहीं होता तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता, जबकि वल्लभाचार्य का विचार है कि भक्ति से ही मुक्ति मिल सकती है, ज्ञान से नहीं। वल्लभाचार्य का सिद्धांत पक्ष शुद्धाद्वैत और आचार पक्ष पुष्टि मार्ग के नाम से विख्यात है। यह पुष्टि मार्ग सेवा मार्ग भी कहलाता है। वल्लभाचार्य के अनुसार संसारी जीव ममत्व और माया के वशीभूत होकर ब्रह्म से अलग हो जाता है। पति रूप या स्वामी रूप से ब्रह्म यानी श्री कृष्ण की सेवा करना उसका धर्म है। कृष्ण को ही ब्रह्म का स्वरूप मानना और उनके प्रति समर्पण ही पुष्टि मार्ग का आधार है। वल्लभाचार्य ने इस मार्ग को पुष्टि दी और कृष्ण भक्ति की धारा पूरे देश में बहाई। सन 1531 में वल्लभाचार्य ने कृष्ण का ध्यान करते करते गंगा जी में प्रवेश किया और अंतर्ध्यान हो गए। सभी के देखते देखते वे ओझल हो गए। एक तेज गंगा जी के प्रवाह से निकला और अनंत आकाश में जाकर विलीन हो गया। चंपारण्य में जिस दिव्य अग्नि के अवतार का प्राकट्य हुआ था, उसका पुनः अपने परम धाम में प्रवेश हो गया। इस घटना को पुष्टि मार्ग में आसुर व्यामोह लीला कहा जाता है, क्योंकि आसुरी प्रवृत्ति के लोगों की दृष्टि में महाप्रभु जी की देह गंगा जल में विलीन हो गई थी, किंतु आस्थावान वैष्णवों के मन में यह अडिग विश्वास था कि उनके घरों में महाप्रभु जी सदैव स्थित हैं। जय श्री कृष्ण।